सो हेलो भाई, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका तुषार व्लॉग्स में। यार मेरा दोस्त सौरभ भी जाएगा मेरे साथ आज शास्त्री पार्क जाएंगे। वहाँ पे मिलती है पेंट्स बहुत चीपेस्ट रेट में, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। चलो चलते हैं अभी, सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय करो। मेट्रो में बैठ गए हैं, आप उतरेंगे कश्मीरी गेट, उसके बाद पकड़ेंगे रेड लाइन इठाला वाली मेट्रो स्टेशन, उसके बाद चलेंगे हम शास्त्री पार्क। और अभी आप इस इंजॉय करो, फिर बात करते हैं आपसे। कश्मीरी गेट, क्योंकि अभी तो शास्त्री नगर और पार्क अलग है, हमको पता नहीं था। ये कह रहा कि पार्क और नगर साथ साथ ही हैं, पता लगा वापस जाना पड़ेगा अब रिठाला की साइड, उसी साइड। अब चलते हैं आगे, मैं आपको देखूँ कौन सी मेट्रो है ये वो। सो गाइस, हम आ गए वापस, मेट्रो बदलनी पड़ी दोबारा, क्योंकि भैया को पता नहीं था, उन्होंने गलत बता दिया। वापस वही मेट्रो जाना पड़ेगा, जो वाली मेट्रो हम चल रहे थे पहले, वहाँ से ऐसे दो स्टेशन आगे पीछे हो गए। अब चलते हैं आगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कितने की है, मेरे को खुद नहीं पता अभी कितने प्राइस वगैरह है। चलते हैं आगे। हाँ, चलो ओके, मिलते हैं। सो गाइस, वी आर एट शास्त्री पार्क और अंकल। सो गाइस, ऑटो में बैठ गए हैं, भैया ने लिए 30 रुपये हम दोनों के। रास्ता बहुत लंबा है, सही बात है, 30 रुपये जाया जाए कोई दिक्कत नहीं। और अब चलते हैं पेंट मार्केट, वहाँ मेरे को एड्रेस पता है, एक लड़के ने डाला हुआ था यूट्यूब पे, और वहाँ जाएंगे उस शॉप पे ही, देखेंगे क्या रेट है क्या रेट नहीं है। उसने तो 40 रुपये लिखा हुआ पेंट के एक पर पीस। अब आगे जाके बताऊँगा मैं आपको कितने पैसे लगेंगे एक पेंट के, कितने नहीं लगेंगे, इकट्ठे लेने कितने वगैरह वगैरह, जो भी है आगे जाके बताऊँगा मैं। चलो आगे। और गाइस, अब वो गली पता लग गई है, गुरु गोविंद सिंह गली, अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ सारा रास्ता। चलिए देख लो गाइस, इसके बाद जाएंगे गुरु गोविंद सिंह गली, पूछनी पड़ेगी किसी से, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे है वो शॉप। कोई शॉप पे जाना है क्योंकि उस शॉप की बनाई हुई है ना, इसलिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, चलो। तो गाइस, शॉप का रास्ता पता लग गया, शॉप के रास्ते पर जा रहे हैं और मैं बताऊँगा आपको। चलो चलते हैं, क्योंकि ना अभी मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कहाँ पर जाना है, गली वाली अंकल ने बताई है एक ने। चलो आगे चलता हूँ, फिर मैं आपको पूरी बताऊँगा कहाँ पे है कहाँ नहीं है, मैं पूरा एड्रेस वगैरह सब दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलो तो गाइस, बंसल गारमेंट मिल गई है, भैया से बात करते हैं और पैंट वगैरह का रेट वगैरह, शर्ट वगैरह का रेट पूछते हैं। और भैया से पहले आपको कार्ड दिखाता हूँ भैया का, और आगे बात करता हूँ मैं आपको, सारा दिखाऊँगा अभी क्या मतलब कितने में प्राइस में है, तो पहले भैया से बात करते हैं। सो गाइस, देख लो भैया का कार्ड है, और भैया से पूछता हूँ कितने में रेट स्टार्ट है पैंट वगैरह के, और अभी बात मैं दिखाता हूँ आपको इस पैंट्स वगैरह शर्ट वगैरह। भैया, बच्चे की पैंट तो जो है हमारे पास 90 रुपये से स्टार्ट है। हाँ जी, और 250 रुपये तक के बीच में रेट आता है इसका। इकट्ठी लेंगे तो काम ही होलसेल का है, होलसेल के हिसाब से ही आप ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ जी, हमारा डिटेल का काम नहीं है, और होलसेल का ही काम है। हाँ जी, 90 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की रेट है बच्चे की। हाँ जी, और 180 से लेकर 500 रुपये तक है बढ़ेगा हमारे, बढ़ेगा 22-30-32 बड़ी कमर जो होता है। अच्छा, हाँ जी, चलो फिर आप पैंट वगैरह। सो ये रे भाई, ये दिखाएंगे हमको पैंट वगैरह, भैया से बात करते हैं। सो ये कितने की पड़ेगी अब पैंट? 205 रुपये की रेंज। 205 ये स्टार्ट में होती है, बड़े के पैंट की, बच्चों की है ये? बड़े की। अच्छा, 230-232-234-236 की उम्र वाली होती है। अच्छा, तो कितने पीस लेने पड़ेंगे इसमें? मिनिमम क्वांटिटी जो होती है कम से कम एक गड्डी होती है। अच्छा, तो बंदा होता है चार, कितने होते हैं? 5 पीस गड्डी होती है। अच्छा, 5 की 6 की। अच्छा, उसने पूरा लेने पड़ेंगे तो ये प्राइस पड़ेगा। अगर कोई सिंगल लेगा तो? नहीं, सिंगल नहीं देते, सिंगल देते ही नहीं हो। चलो ठीक है। और ये वाली 210 रुपये, ये 210 की है, देख लो गाइस। अच्छा, प्लाई की पैंट है ये, और 210 रुपये की बताई है भैया ने। ये 230 रुपये की आइटम है, ये 230 रुपये की है, देखो। अभी और दिखाता हूँ, सही है ये भी, अच्छी लग रही है, स्ट्रेचेबल है भैया, सारी स्ट्रेचेबल है, सारी स्ट्रेचेबल है। और ये वाली 260 रुपये, ये देखो 260 रुपये की है, देख सकते हो जैसे आप।
और अभी दिखाता हूँ भैया के पास और भी बहुत सारी पड़ी हैं, ये देखो 285 की, ये देखो 285 की, ये भी अच्छी, और ये देखो, चलो और दिखाता हूँ मैं आपको सारे, अच्छा प्राइस है वैसे तो 275 के, देखो गाइस, और ये मिलते हैं, ये देखो ये सस्ता है 240 रुपए के, ये 240 रुपए, ये देख लो कितनी बढ़िया लग रही है वैसे तो, और भैया 285, ये देखो 285 रुपए की, देखो क्या साइज है भैया इनका, ये 28 लेके 36 ऑल सारी मिल जाएंगी इसमें, 28 से 36 में सब अवेलेबल है भैया के पास, चार पाँच कलर होते हैं साथ में, देखो 290 की, ये देख रहे हो बहुत सही लग रही है, ये कितना कमरा, 28 कमरा, ये 28 है देख लो, और भी दिखाता हूँ मैं आपको, बढ़िया ये भी अच्छी लग रही है, दिखा शाबाश, उठाऊंगा भैया, और ये कितने की स्टार्टिंग है, सो गाइस देखो 270, ये अच्छी लग रही है, ये भी 28-30 ही है भैया, 28-30-34, चलो और दिखाता हूँ मैं, 30 रुपए की आइटम है, देखो क्या बढ़िया आइटम है, 230 की, 230 की आइटम है, देख लो, ये देखो मैं आपको, सही लग रही है, भी अच्छी है, और अभी और दिखाता हूँ, ये देखो जोकर पैंट है 280 रुपए की, होलसेल में आपको अगर लेनी है तो सारे 28 से लेके 36 तक सब कवर मिल जाएंगे, पांच लेके होते हैं उसमें एक ही कलर होता है, अच्छा जो 20 पीस वाले होता है उसमें चार कलर आते हैं, अच्छा ये होता है, और भैया शर्ट वगैरह दिखा दो, पट्टी वाले आइटम, हां पट्टी वाले भी दिखा दो, शर्ट का नहीं ठीक है एक ही आइटम देखो, और ये वाली भी और भी बढ़िया होगा इसमें, इसमें कलर पांच मिल जाएंगे, मतलब इसमें चार कलर होते हैं, कौन कौन से होंगे, ब्लैक ब्लू ब्लैक ये सब, अच्छा ग्रीन वगैरह जो भी, हाँ अच्छा देख लो ये भी सुपर मी, हाँ सुपर मी 4 इंच पीस बिकता है पूरा, सही है ये भी देख लो, बढ़िया दिखाई है ये भी, पैंट अच्छी है, ले भी तेरे को ये देख लो पट्टी वाली है, ये भी कितने की है, 280 की पड़ेगी ये भी, और इसमें भी चार कलर होंगे 28 से 36 कमर जो भी है, पर कलर अच्छे अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया है, और दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, पट्टी सस्ती भी है, 235 रुपए की देख लो, और भी इसमें साइज मिल जाएगा अगर आपको यहाँ से लेना है तो, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं सारा, ये देख लो स्ट्रेचेबल है बिल्कुल, ये भी पट्टी वाली है, 235 रुपए की है ये, जिसको लेना है यहाँ पे आप कर सकते हो विजिट, 600 रुपए तक की रेंज अवेलेबल है इस टाइम, 500 तक की भी, 600 तक की, उसमें मतलब वो हाई क्वालिटी होती है, नेटिंग की अच्छा होती है, ये तो रो भी है, नेटिंग होती है, खुद करते हो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, अच्छा तो खुद की है भैया की मैन्युफैक्चरिंग, और दिखाता हूं मैं आपको पैंट वगैरह, भैया दिखाते हैं फिर, भैया और दिखा दो कोई बढ़िया सी हो, इससे बढ़िया दिखा दूं, हां डाल दी, रेट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, भैया को मंडे को कॉल मत करना, और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खुली रहती है उनकी शॉप, उस टाइम ही कॉल कर सकते हो, और अब जा रहे हैं हम शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, उसके बाद जाएंगे चांदनी चौक सेकंड घर, जैसे आपको पता ही है मैं हमेशा चांदनी चौक जाता रहता हूँ, और वहाँ चलते हैं, मेरे को एयरपोर्ट से लेने अपने भाई के लिए, वो लेंगे, सो गाइस जब मैं एक शॉप पे बंसल वाली बंसल गारमेंट्स की वीडियो बना रहा था ना, तो जब मैं वीडियो बना के बाहर निकला तो एक लड़का खड़ा था साइड में, कह रहा भाई अपना नंबर दे दो, हमारी टी शर्ट की दुकान है, अगली बार वीडियो बना देना, अपना नंबर दे दो, मैं कहा भैया अगली बार तो नहीं आ पाएंगे, अभी बनवा लो, और जो भैया के पास गए वो कह रहे भैया मतलब क्या बोले थे, कह रहे भाई तुम यूट्यूबर लग रहे थे, मैं कहा भाई साहब पूछने लगे कितने बड़ा सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर बताए हमने
कह रहे जब अगली बार आओगे ना तो अगली बार मेरे को कॉल कर लेना या हम कर लेंगे कॉल आपको जब बनवानी होगी। तो अब चलते हैं आगे, बता ही दिया मैंने आपको। बस कभी सुना है कि ई रिक्शा में भी सनरूफ है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, चलो देखा सनरूफ के मजे ले लो आप, हम तो ऊपर चढ़ नहीं सकते। सनरूफ दिखा दी रिक्शा में बैठे बैठे, और क्या चाहिए आपको। सब्सक्राइब कर देना बढ़िया सा दब के ठा करके, और तो कमेंट जरूर करना, कमेंट यार आप लोग करते नहीं हो। हाँ देखा भाई बोल रहा है, अब कर देना, होना चाहिए भाई बोल रहा है, कर देना कर देना, याद से भूल मत जाना कहीं। सो गाइस वी आर एट चांदनी चौक पहुंच गए हैं, हम अब जाएंगे वहां पे एयरपोर्ट लेने, एयरपोर्ट लेने और सामान जो वगैरह लेने हैं वो ले लेंगे और चलते हैं। तो गाइस कुछ खा कुछ लिया है, देखते खा के, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं भी खुद, और देखता हूँ मैं दिखाऊंगा वो, किसी को पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आ गया ये भैया सपोर्ट के लिए, यहाँ पे रख लिया हमने, ये क्या है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, किसी को पता है तो गाइस वी आर एट चांदनी चौक पहुँच गए हैं, बिल्कुल लाल गुरुद्वारे के सामने है। पहले लेंगे ट्राईपॉड, उसके बाद चलेंगे काम धाम कम करने, और चलो चलते हैं इधर सिनेमैटिक शूट इंजॉय करो। बाय पहुँच गया मैं एयरपोर्ट्स लेने, ये रहे एयरपोर्ट्स, ये वाले लेने दूसरे लेने अभी डिसाइड नहीं हुआ। हाँ ठीक है, और लेता हूँ या कौन से लेता हूँ मैं आपको बताऊँगा कितने के पड़े, भैया से ले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब दे दूँगा, लोकेशन वगैरह देखो आप, पहले भैया को बात करवाता हूँ मैं आपसे। सो गाइस हमने ले लिए हैं ईयरफोन एयरपोड्स, और वो पड़े मेरे को 500 रुपये के, पिछली बार गया मैं तो कह रहा था कि 550 के, अगली बार आओगे तो 50 कम कर दूंगा, मैं कहा ठीक है अगली बार भी आ जाए, 500 के लिए गया है। और चलते अभी थोड़ी देर इंजॉय करो और वीडियो क्लोज करते हैं देर में। तो गाइस वीडियो करते क्लोज, ऐसी वीडियो आती रहेंगी तुषार ब्लॉग से, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो भी बनूंगा बनूंगा आपकी सपोर्ट से। अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।